आज मैं जर्नी करने वाला हूँ इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्लीपर बस में। बस का इंटीरियर देख के मेरे मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकल रहा है, वाओ। खाना पीना भले ही स्किप हो जाए लेकिन इनको चार्ज करना स्किप नहीं कर सकते। और यहाँ पे हो रही है अल्कोहल मीटर से अल्कोहल की चेकिंग। कितना परसेंट आया फिर? जीरो सर। Hey guys, what's up? I am Saurabh Rajput for Fear Adventure. Good evening from Indira Nagar, Bangalore. So, एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग, और आज के व्लॉग में मैं जो जर्नी करने वाला हूँ ना वो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं जर्नी करने वाला हूँ इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्लीपर बस में, जो कि ऑपरेट होती है न्यू गोदवार। और वैसे बता दूँ, आज मैं जर्नी करने वाला हूँ यहाँ कैपिटल ऑफ कर्नाटका बैंगलोर टू कैपिटल ऑफ तमिलनाडु चेन्नई की। इसके अलावा न्यूगो ने हाल फिलहाल में ये इलेक्ट्रिक स्लीपर बस बैंगलोर से कोयम्बटूर के लिए भी शुरू करी है। तो इंडिया में फर्स्ट इंटरस्टेट इलेक्ट्रिक एसी सीटर बस लाने वाले भी न्यूगो थे, और इंडिया में फर्स्ट इलेक्ट्रिक एसी स्लीपर बस भी न्यूगो ने ही लॉन्च करी है। तो देखो, इंडिया में इलेक्ट्रिक स्लीपर बसेस का स्कोप क्या रहने वाला है वो तो ऊपर वाले ही जानते हैं, क्योंकि स्लीपर बस ध्यान में आते ही ना सबसे पहले ध्यान में आता है लंबे लंबे रूट, ओवरनाइट रूट। लेकिन आपको पता है कि अभी हम इलेक्ट्रिक बस में उतनी कैपेबिलिटी में पहुंचे हैं जहां तक हम सिर्फ इलेक्ट्रिक बस को 300-350 किलोमीटर के आसपास ही लेकर जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा लंबे रूट तो फिलहाल हम इलेक्ट्रिक स्लीपर बस से कवर नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि बैंगलोर से चेन्नई का रूट भी कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, करीबन 330 किलोमीटर के आसपास की जर्नी रहती है, और हो सकता है कि बीच में एक आध बार कहीं बस चार्ज भी हो तो उतना तो आसानी से ये बस कवर कर लेगी। लेकिन जहां बात आती है 500 किलोमीटर या उससे ऊपर, जैसे कि 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर के आसपास की जर्नी की, तो उतनी लंबी जर्नी तो हाल फिलहाल में हम इस इलेक्ट्रिक स्लीपर बस से कवर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन न्यूगो ने इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा लिया है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक सीटर बस की तरफ देख रहे हैं फ्यूचर में, तो भाई क्यों ना हम इलेक्ट्रिक स्लीपर बस के बारे में भी सोचना शुरू करें। आज टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं है, लेकिन फ्यूचर में क्या पता टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस हो, बैटरी कैपेसिटी हम उतनी बढ़ा पाएं कि भाई हम 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर भी आसपास इस स्लीपर बस से कवर कर पाए, तो भाई फिर कितना बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए, फ्यूचर को तो कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता है, लेकिन मेन बात है कि आज हमारी जर्नी रहने वाली है इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक एसी स्लीपर बस में बैंगलोर से चेन्नई की। डिस्टेंस जैसे मैंने आपको बताया रहने वाला है करीबन 330 किलोमीटर के आसपास। बस यहाँ इंदिरा नगर से रवाना होगी 10:30 पे। वैसे ये बस का फर्स्ट बोर्डिंग पॉइंट नहीं है, फर्स्ट बोर्डिंग पॉइंट रहता है नागसंद्रा सर्कल, जहाँ से बस रवाना होती है 9:25 में। और क्योंकि मैं यहाँ इंदिरा नगर में ही ठहरा हुआ था, तो सोचा कि क्यों ना बस में यहीं से बोर्ड कर लिया जाए। बाकी यहाँ इंदिरा नगर में अगर बोर्डिंग पॉइंट की बात करी जाए, तो यहाँ पे ना इंडियन ऑयल का फ्यूल पंप है, उसके अपोजिट से जैसे ये बस रवाना होती है, और बाकी जितने बोर्डिंग पॉइंट होंगे वो सारे बस में चढ़ के मैं आपको बता दूंगा। देख लीजिए, ये है सामने इंडियन ऑयल का फ्यूल पंप, और जस्ट इसके सामने उधर की साइड नहीं रहता है बोर्डिंग पॉइंट। वैसे लोग उधर खड़े हुए हैं, तो मे भी हो सकता है कि बस उधर की तरफ ही आए। तो टाइम हुआ है 10:05, बस को आने में अभी थोड़ा सा टाइम है। और बाकी बेंगलोर के मौसम के क्या कहने यार, इतना शानदार मौसम हो रहा है, इतनी ठंडी ठंडी वाइब है ना मौसम में, मजे आ रहे हैं यहाँ पे खड़े होने में। बेंगलोर का मौसम ना मुझे यार काफ़ी पसंद है, कभी कभी तो मन करता है भाई यहाँ बेंगलोर में ही बस जाओ। और उसका दूसरा रीज़न ये भी है कि भाई बेंगलोर को ना आप इंडियन सिटी ऑफ लग्जरी बसेस भी बोल सकते हो। बेंगलोर में खड़े हो जाओ और फिर देखो शो बैक टू बैक लग्जरी बसेस का। तो चलिए लग्जरी बसेस के शो का नजारा लेते हैं, क्योंकि टाइम अभी थोड़ा सा बचा हुआ बस को आने में। बस आएगी, मैं करूंगा बस में बोर्ड और निकलूंगा यहाँ बेंगलोर से चेन्नई की तरफ। लेकिन आपको पता है कि आपको कहीं नहीं निकलना होता, क्योंकि मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ एक और बेहतरीन बस जर्नी यहाँ बेंगलोर से चेन्नई। तो जी फाइनली बस में बोर्ड कर लिया, और बस में बोर्ड करके और बस का इंटीरियर देख के मेरे मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकल रहा है, वाओ। देखिए, देख रहे हो क्या शानदार इंटीरियर है यार। देखिए ये वाली जितना भी आप एरिया देख रहे हैं ना, ये सारी आपको यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। सारी सीट्स मिला के 22 सीट्स हैं, उसके अलावा बाकी सारी स्लीपर बर्थ हैं। स्लीपर बर्थ की बात करें तो 20 स्लीपर बर्थ इसमें आपको देखने को मिल जाती है, और स्लीपर बर्थ देखिए कितनी शानदार है। बैक रेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, बैक रेस्ट देखो यार कितना अच्छा लग रहा है। उसके अलावा एसी के डोर देखने को मिल जाते हैं, रीडिंग लैंप देखने को मिल जाते हैं, या सामान रखने के लिए एक रैक देखने को मिल जाता है, और यूज़ एंड थ्रो वाली बेड शीट यहाँ देखने को मिल जाती है, पिलो यहाँ देखने को मिल जाते हैं ये देखिए। और देखिए जो बैक रेस्ट है ना, इसी के ऊपर आपको चार्जिंग पोर्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि यूएसबी टाइप चार्जिंग पोर्ट्स रहते हैं। और बाकी टाइम हो गया है 10:40, और बस रवाना हो चुकी है इंदिरा नगर से, और बाकी
यार ये जो बैक रेस्ट है ना काफी कंफर्टेबल लग रहा है मुझे। हालांकि हो सकता है कि ये स्लीपर बर्थ की लेंथ को थोड़ा सा कम कर दे, वो तो जब प्रॉपर लेट हुआ तब जाके पता चलेगा, लेकिन हाँ बैक रेस्ट कंफर्टेबल तो है। और बाकी देख लीजिए ऐसे कुछ स्लीपर बर्थ दिखाई देती है, लेकिन हाँ अपर स्लीपर बर्थ में ना हाइट एक जरूर कंसर्न हो सकता है, क्योंकि इसकी जो हाइट है ना यार मुझे थोड़ी सी ना कम लगी, क्योंकि देखो मेरी हाइट वैसे ही शॉर्ट है, लेकिन अगर आप मेरा सर देखोगे ना तो बिल्कुल इससे टच कर गया। तो अगर कोई लंबी हाइट वाला पर्सन होगा तो मे बी उसको अपर स्लीपर बर्थ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि जो लोअर वाली स्लीपर बर्थ है ना उसमें हाइट का ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन जो ये ऊपर वाली स्लीपर बर्थ है ना भाई इसमें हाइट थोड़ी सी कम जरूर है बॉस। और बीच में कर्टेंस दिए जा सकते थे जो कि नहीं दिए गए, सपोज दो डिफरेंट पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर कर्टेंस होते तो प्राइवेसी थोड़ी सी मेंटेन हो जाती है, तो यहाँ पे कर्टेंस तो भाई फिलहाल नहीं देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में कभी जब दोबारा से बसें बन के आए तो बीच में कर्टेंस वाला प्रोविजन भी आपको दिखाई दे जाए, लेकिन अभी फिलहाल बस में बीच में कोई कर्टेन आपको दिखाई नहीं देगा। डबल स्लीपर बर्थ की बात कर रहा हूँ। बाकी देख लीजिए इधर हमारे साथ मौजूद है बस के ड्राइवर साहब, क्या नाम है सर आपका? सत्य प्रताप। सत्य प्रताप जी, और सर कितने साल हो गए आपको बस ड्राइव करते हुए, कितना एक्सपीरियंस हो गया टोटल? टोटल 10 इयर्स। अच्छा, और न्यूगो की बस चलाते हुए? सर। और बाकी देख लीजिए इधर हमारे साथ मौजूद है बस के दूसरे ड्राइवर साहब, क्या नाम है सर आपका? पवन। और कितना टाइम हो गया आपको न्यूगो के साथ काम करते हुए? 6 महीने हो गया। अच्छा, आपने इस रूट पे एक बस में दो दो ड्राइवर रहते हैं? और बाकी देख लीजिए ये है बस का पूरा केबिन। बाकी एक बार SOC चेक कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक बस की जर्नी है और SOC चेक ना करें तो ऐसे कैसे हो सकता है। 83% SOC है सर। और थोड़ा सा बताइए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। हाँ ये तो SOC के बारे में तो हमें पता है। अच्छा ओके, न्यूट्रल पे तो देखिए N का साइन आ रहा है। और ये जो ये इंडिकेटर ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे 27.6? हाँ हाँ वोल्टेज। अच्छा अच्छा अच्छा, और अपने टोटल स्पीड देख लीजिए मीटर में 140 शो करता है, लेकिन मेरे ख्याल से 80 पे लॉक रहती है ना? 80 पे लॉक रहती है। और बाकी देख लीजिए यहाँ पे आपको एक स्क्रीन देखने को मिलती है जिसमें डिफरेंट टाइप के व्यूज आपको नजर आ जाते हैं। ये देखिए सर व्यूज स्विच कर करके दिखा रहे हैं यहाँ पे ना, ये देखिए पार्किंग कैमरा भी आपको देखने को मिल जाता है, अलग अलग टाइप के कैमरे से यहाँ पे आपको व्यू दिखाई दे जाता है। और ये देखिए यहाँ पे ड्राइव न्यूट्रल रिवर्स का ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक बैटरी ओरिएंटेड व्हीकल है तो भाई इसी से ऑपरेट होती है पूरी। ये सेंसर ऑफिस में देखता रहता है हम लोग क्या करते हैं। अच्छा ये भी कैमरा है ना? हाँ, ये कैमरा एक सेंसर है सर। अच्छा, अगर आपको नींद में चला रहे गाड़ी दारू पी चाहे तो गाड़ी मूव नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सेंस कर लेता है? हाँ सेंस कर लेता है। ओके, सिगरेट पी रहे गुटखा कुछ खा रहे तो उसमें स्कैन होता है। ओके 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 ओके, कौन नहीं कर रहा। ओके अच्छा, बस अप एंड डाउन करने का कहाँ पे रहता है सर? ये बस अप एंड डाउन भी हो जाती है ना, जैसे वॉल्वो वगैरह बस अप एंड डाउन होती है वो? ये यही सर। अच्छा वो इधर रहता है, ये दो बटन रहता है। अच्छा अच्छा, ये बस बिल्ड किसने करी है? ये मतलब वीरा, वीरा, अच्छा वीरा ने बिल्ड करी है पूरी की पूरी बस। और ऐसी टोटल कितनी बस आई है अभी तक? 10 गाड़ी आई है। अच्छा 10 गाड़ी आई है। एक मेरे ख्याल से ये बैंगलोर चेन्नई रूट पे चल रही है और एक कोयम्बटूर वाले बैंगलोर कोयम्बटूर वाले रूट पे चल रही है। अभी चालू हो गई है या होगी? अच्छा होने वाली। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए। बाकी सीट्स भी देख लीजिए, सीट सारी पुशबैक रहती हैं। ये देखिए यहाँ पे बटन दे रखे हैं, बटन दबाइए और सीट को पुशबैक आप बना लीजिए। बाकी हर सीट के ऊपर आपको AC ब्लोअर देखने को मिल जाते हैं, रीडिंग लैंप देखने को मिल जाते हैं और कुशनिंग भी चेक कर लेते हैं एक बार। कुशनिंग काफ़ी सॉफ्ट लग रही है, काफ़ी सॉफ्ट है सीट्स। हर सीट्स पे चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, USB टाइप चार्जिंग पोर्ट। और बाकी थाई रेस्ट तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना आपको फुट रेस्ट देखने को मिल जाते हैं हर सीट के सामने। और सभी सीट के बैक साइड पे देखिए मैगजीन होल्डर यहाँ मौजूद है, वाटर बॉटल होल्डर दिया गया है, होल्ड करने के लिए हैंडल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो बस का इंटीरियर तो यार मुझे काफ़ी शानदार लगा, देख रहे हैं सच में यार बढ़िया है इंटीरियर। ड्राइवर साहब हमारे लिए एक वाटर बॉटल और एक वाइप लेके आए हैं, धन्यवाद ड्राइवर साहब। ये है बस के कुछ बोर्डिंग पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया था ना बस का जो फर्स्ट बोर्डिंग पॉइंट है वो रहता है नाग संतरा सर्कल, उसके अलावा यशवंतपुर है, राजा जी नगर है, मैजेस्टिक है, ट्रिनिटी सर्कल है, इंदिरा नगर है जहाँ से मैंने बस में बोर्ड करा था, टिन फैक्ट्री, ITO गेट, KRपुरम, होस्कोटे, तो कई सारे बोर्डिंग पॉइंट हैं। और ड्रॉपिंग पॉइंट की अगर बात करें चेन्नई में तो देख लीजिए ये कुछ ड्रॉपिंग पॉइंट रहते हैं चेन्नई में। बाकी आज ना मैं बिल्कुल किंग की तरह ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि इस बस में मेरे अलावा कोई और पैसेंजर नहीं है, क्योंकि भाई बिल्कुल नई नई सर्विस है तो लोगों को उतना पता नहीं है बस सर्विस के बारे में, इसलिए अभी तक तो भाई बस में कोई पैसेंजर चढ़ा नहीं है। ड्राइवर साहब बता रहे थे कि भाई होस्कोटे से शायद एक पैसेंजर और है, उसके अलावा
टिल नाउ अभी तक कोई बुकिंग बस में नहीं है। अगर बीच में से कोई बुकिंग हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। तो देखो भाई, आज किंग की तरह ट्रेवल करेंगे, आज पूरी बस अपनी है भाई। और बाकी बस में पीछे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको इमरजेंसी एग्जिट देखने को मिल जाता है। और इधर कुछ सामान वगैरह रखने के लिए स्पेस बनाया गया, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप। और बाकी बस में सीसीटीवी की सर्विलेंस भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा मौजूद है, उसके अलावा आगे भी एक सीसीटीवी कैमरा मौजूद है। और देखिए, इस इमरजेंसी एग्जिट के अलावा ना एक इमरजेंसी एग्जिट यहाँ ऊपर देखने को मिल जाता है, और एक इमरजेंसी एग्जिट आपको यहाँ ऊपर देखने को मिल जाता है। कहाँ गया ये रहा। यूजुअली स्लीपर बसेस में ना आपको एक क्लोज केबिन देखने को मिलता है, मतलब जो केबिन होता है वो क्लोज होता है क्योंकि यहाँ पे ना गेट दिया जाता है। लेकिन न्यूगो की इस इलेक्ट्रिक स्लीपर बस में देखिए यहाँ पे कोई गेट नहीं दिया गया है। जैसा सीटर बस में रहता है ना केबिन ओपन रहता है पूरा का पूरा, वैसे इसमें भी ओपन दिया गया है। यहाँ पे देखो आपको कोई गेट देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो भाई टाइम हो गया है 11:50 और बस ने अभी क्रॉस कर लिया है होस्कोटे को, और होस्कोटे क्रॉस करते ही हम एग्जिट हो चुके हैं कहीं ना कहीं बेंगलोर से। और आप सोच रहे होंगे भाई इतना टाइम कैसे लग गया यहाँ होस्कोटे आने में, जबकि मैंने बस में भी बीच में से बोर्डिंग करा था इंदिरा नगर से करीबन 10:40 के आसपास, और रात में इतनी रात में कोई मेजर ट्रैफिक भी नहीं होता है। लेकिन आपको बता दूं कि भाई बस ना बीच में 2-3 जगह रोकी गई थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बस में मेरे अलावा फिलहाल कोई पैसेंजर नहीं है, तो बस को ना बीच में 2-3 जगह रोका गया ताकि भाई ऑफलाइन पैसेंजर कुछ बिठाए जा सकें, बस में ऑक्यूपेंसी थोड़ी सी बढ़ाई जा सके और बस के बारे में लोगों को पता चल सके। इस वजह से थोड़ा सा होस्कोटे पहुँचते लेट हो गए। चलो कोई बात नहीं, फाइनली होस्कोटे क्रॉस कर लिया और बेंगलोर से बाहर हम आ चुके हैं। बाकी बस का रूट देख लीजिए, बेंगलोर से हम निकले और पहुँचे होस्कोटे। होस्कोटे के बाद हम पहुँचेंगे कहीं ना कहीं कोलार, और कोलार के बाद ना एक जगह आती है नंगली, ये रहा नंगली। के बाद हम कहीं ना कहीं एंटर हो जाएंगे आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में, फिर पहुँचेंगे पालमनेर जहाँ पे रेस्ट स्टॉप रहता है, उसके बाद हम पहुँचेंगे चित्तूर, और उसके बाद फिर हमारी एंट्री यहाँ से कहीं ना कहीं हो जाएगी तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में एंट्री करने के बाद हम पहुँचेंगे रानीपेट, यहाँ से निकल जाएंगे श्रीपेरुम्बुदूर, और उसके बाद पहुँच जाएंगे चेन्नई। और देखो बस का रूट तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन रूट से जुड़ी एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि भाई बेंगलोर से चेन्नई का ना नया रूट भी तैयार हो रहा है, जिसको कहीं ना कहीं हम बोलेंगे नेशनल एक्सप्रेसवे 7। जी हाँ, बेंगलोर से चेन्नई के बीच में एक्सप्रेसवे की तैयारी चल रही है, मतलब काम चालू है ऑलरेडी। करीबन 258 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे रहने वाला है, जो बनेगा करीबन 17,900 करोड़ रुपये की लागत से, यानी 17,900 करोड़ रुपये इसकी लागत से। और जब ये एक्सप्रेसवे बन जाएगा ना, तब बेंगलोर से चेन्नई का जो रन है करीबन 3 घंटे तो कम हो ही जाएगा, आप ये मान के चलिए। करंट में अगर बस के रनिंग टाइम की बात करें तो बेंगलोर से चेन्नई विद बोर्डिंग टाइम बस कम से कम 8-9 घंटे ले लेती है, लेकिन मुझे लगता है एक्सप्रेसवे बनने के बाद आराम से ये सफ़र 5-6 घंटे में तो कंप्लीट हो जाने वाला है। तो जब ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा ना, तब बेंगलोर से चेन्नई सफ़र करने का ना काफ़ी मज़ा आएगा। और वैसे आपको बता दूं, ये एक्सप्रेसवे शुरू होगा होस्कोटे बेंगलोर से और एंड होगा श्रीपेरुम्बुदूर, जो कि तमिलनाडु में है, कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर जाके ये एक्सप्रेसवे एंड हो जाएगा। ये
टाइम हुआ है 12:40 और बस पहुंच चुकी है मिल्क सिल्क एंड गोल्ड सिटी यानी कोलार। और जैसे नाम से फेमस है भाई मिल्क सिल्क सिटी, क्योंकि मिल्क और सिल्क की प्रोडक्शन यहाँ पे काफी होती है। और गोल्ड सिटी ये तो कहीं ना कहीं आप जानते होंगे, KGF मूवी तो आपने जरूर कभी ना कभी देखी होगी। तो KGF मूवी में जिस कोलार गोल्ड फील्ड के बारे में दिखाया गया ना, वो यहीं कोलार में सिचुएटेड है, काफी फेमस गोल्ड फील्ड है। और वैसे तो बस की स्पीड 80 km/h पे लॉक है, लेकिन ड्राइवर साहब को देख के लग नहीं रहा, अभी केबिन राइड लेके आया था। और क्या चला रहे हैं भाई, बसेस को ओवरटेक इतने आसानी से कर रहे हैं, मतलब देख के लग ही नहीं रहा कि अपनी बस 80 km/h पे लॉक है, ऐसा लग रहा है कि 100 ओपन हो रखी है, काफ़ी अच्छे तरीके से चला रहे हैं। बाकी बात करें बस के नॉइज़ की, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक बस की बात जब भी होती है तो नॉइज़ की बात जरूर कहीं ना कहीं करी जाती है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि भाई इलेक्ट्रिक बस एयर पोल्यूशन के साथ साथ नॉइज़ पोल्यूशन को भी कहीं ना कहीं कम करती है। तो इलेक्ट्रिक सीटर बस जो है ना न्यूगो की, यार वो इसके कंपैरिजन में मुझे ज़्यादा नॉइजलेस लगी। मतलब इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा नॉइज़ सुनने को मिल रहा है अभी, या तो ये नई बस है, हो सकता है कि उस वजह से भी थोड़ा सा लग रहा है वो चीज़, लेकिन इसमें थोड़ा सा नॉइज़ मुझे फील हो रहा है। और वैसे तो अगर बस की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी आप देखोगे ना तो काफ़ी सही है, लेकिन ये जो सामान रखने का रैक है ना, इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे थोड़ी सी हल्की लगी। जैसे वॉल्वो में आपने देखा होगा जो सामान रखने वाला रैक रहता है ना स्लीपर बर्थ पे, वो काफ़ी रिजिड रहता है, लेकिन इसको देखोगे ना, अभी मैंने इस पे पैर रखे हुए थे और पैर से मेरा थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा पड़ गया, तो ये देखो ऐसे ना अंदर को दब रहा है, तो डर लग रहा था कि कहीं भाई टूट ना जाए। और बाकी देख लो भाई, बस पहुंच चुकी है नंगली नाम की जगह पे, और इस जगह से थोड़ा सा दूर जाते हैं ना विलेज पड़ता है, उस विलेज का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, स्क्रीन पे आपको फ्लैश कर दूंगा, यहाँ दिखा नहीं रहा नेट ना प्रॉपर्टी से चल नहीं रहा, तो यहाँ पे वो विलेज पड़ता है, और उस विलेज को क्रॉस करते ही ना हम कहीं ना कहीं एंटर कर जाते हैं आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में। तो भाई टाइम हो गया रात के 2 और बस पहुंच चुकी है पालमनेर आंध्र प्रदेश। और बाकी ऐसा सोचा नहीं था कि भाई साउथ साइड आके भी मुझे जैकेट निकालने का ऐसा मौका मिल जाएगा। जब मैं दिल्ली से निकला था ना तो ये जैकेट मैं पहन के निकला था, क्योंकि आपको पता है कि भाई दिल्ली में अच्छी खासी ठंड हो रही है, लेकिन अभी जैसी बस से यहाँ पे बाहर उतरा ना भाई माहौल ही चेंज हो रखा। बेंगलोर से जब निकला था ना तभी बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और यहाँ पहुँचते तो भाई काफ़ी ठंड लगने लग गई, तो मैंने सोचा कि जैकेट निकाल ही लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बीमार वगैरह पड़ जाए। और वैसे आपको बता दूं बस ने लिया है यहाँ रेस्ट स्टॉप पर करीबन 1/2 आवर का हॉल्ट। अब इस चाहे 1/2 आवर में आप कुछ खाना पीना कर लो, हालांकि रात के 2 बजे कौन क्या ही खाएगा, लेकिन मेन मोटो यहाँ पर रुकने का होता है इन बसेस को चार्ज करना।
खाना पीना भले इतनी रात में स्किप हो जाए क्योंकि खाने का टाइम नहीं है, लेकिन इनको चार्ज करना स्किप नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है कि भाई ये तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और इलेक्ट्रिसिटी ऐसा तो नहीं है कि बीच में आपको कहीं भी मिल जाएगी, बीच में चार्जिंग स्टेशन आपको कहीं भी मिल जाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ रेस्ट स्टॉप पे ये बना हुआ है चार्जिंग स्टेशन जहाँ पे बस चार्ज हो रही है। बाकी देखिए ये है न्यूगो की इलेक्ट्रिक स्लीपर बस और ये है न्यूगो की सिटर बस, दोनों साथ में खड़ी होती हैं तब आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है कि भाई हाइट में जो डिफरेंस है वो कितना है। अभी दोनों दूर दूर खड़ी है ना तो आपको उतना आइडिया नहीं लग पाएगा, लेकिन मुझे आंखों से देख के पता चल रहा है कि हाँ ये लंबी तो है लेकिन कोई बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है सिटर बस से ना। और बाकी आपको बता दूं कि बेंगलोर से जर्नी स्टार्ट करी थी तब एसओसी यानी स्टेट ऑफ चार्ज था करीबन 87 के आसपास था और 140 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद एसओसी बचा है करीबन 57 के आसपास। अभी चार्जिंग स्टेशन पे लगी हुई थी तो 2% बढ़ भी गई है, करीबन 59% के आसपास हो गई थी अभी मैं चेक करके आया था। और बाकी दो अडेप्टर से चार्ज हो रही है बस यहाँ पे ना, दो अडेप्टर से अगर चार्ज होती है ना बस थोड़ा सा फास्ट चार्ज होती है बेसिकली। और बाकी आपको बता देता हूँ कि एक बार फुली चार्ज होने पे ना न्यूगो की ये इलेक्ट्रिक बस करीबन 300 से सवा 300 किलोमीटर के आसपास की रेंज दे देती है। तो रेस्ट स्टॉप पर ज़्यादा कुछ तो ओपन नहीं था, एक छोटा सा सेक्शन ही ओपन था जिसमें चाय वगैरह मिल रही, तो मैंने चाय और बिस्किट ले ली थी, चाय काफ़ी अच्छी बना रखी थी। बाकी चलिए बस हो चुकी है यहाँ पे चार्ज, करीबन 40 मिनट के आसपास बस यहाँ पे रुकी है और 40 मिनट में बस यहाँ पे चार्ज हुई है, करीबन 86% चार्ज हो चुकी है। तो चलिए बस में चलते हैं और सफ़र को करते हैं कंटिन्यू। अभी बस चलने के लिए तैयार है और यहाँ पे हो रही है अल्कोहल मीटर से अल्कोहल की चेकिंग। कितना परसेंट आया फिर? जीरो सर। चले फिर? ओके। चलिए जी। जैसा रेस्ट स्टॉप पे मैंने आपको बताया कि भाई करीबन 45 मिनट के आसपास लग गए थे बस को चार्ज होने में। और कभी कभी ना मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्यों ना ऐसा स्वैपिंग वाला सिस्टम हो कि भाई बैटरी स्वैप कर दी जाए, रेस्ट स्टॉप पे जैसी बस पहुंचे वहां पे डिस्चार्ज वाली बैटरी बस से निकाल ली जाए और फुली चार्ज बैटरी बस में उनकी जगह स्वैप कर दी जाए। तो ऐसा कुछ सिस्टम अगर बन जाए तो यार कितना सही हो जाएगा, लेकिन उसको अचीव करने में क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या सिनेरियो है वो तो हमें पता नहीं, क्योंकि हम तो एक आइडिया सोच सकते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना कितना पॉसिबल है कितना पॉसिबल नहीं है वो आइडिया नहीं है। बट मेरे दिमाग में आया तो मुझे लगा कि हाँ यार ऐसा भी हो सकता है, अगर ऐसा हो जाए तो भाई कितना बढ़िया हो जाए। और अदरवाइज दूसरा इसका ऑप्शन यही है कि भाई जो बस की बैटरी कैपेसिटी है ना वो किसी तरीके से बढ़ा दी जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये फुली चार्ज होने पर 300 किलोमीटर के आसपास चलती है, थोड़ी सी बैटरी कैपेसिटी बस में इस तरीके से बढ़ जाएगी भाई एक चार्ज होने में 500 किलोमीटर 600 या 1000 किलोमीटर तक कभी चले, इतनी एडवांसमेंट आ जाए तो फिर जाके कुछ बात बनेगी। बाकी बस के स्टाफ से मेरी बात हुई थी तो बस का स्टाफ बता भी रहा था कि कुछ बसेस की टेस्टिंग चल रही है न्यूगो की जिसकी रेंज करीबन 500 किलोमीटर के आसपास तो बताई जा रही है। चलिए देखते हैं फ्यूचर में इस टाइप की बसेस और हमें न्यूगो की तरफ से देखने को मिलती हैं। चलिए बाकी अभी मुझे नींद आ रही है, हालांकि नज़ारे काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, जैसे ही रेस्ट स्टॉप से निकले हैं ना आसपास काफ़ी पहाड़ों वाले नज़ारे आ रहे हैं, लेकिन रात में वो कैमरे में जस्टिफाई हो नहीं पाएंगे। तो चलिए यार अभी कुछ देर नींद पूरी कर लेते हैं और जहाँ पे नींद खुलती है वहाँ पे अपडेट आपको देते हैं। गुड नाइट। और बाकी यहाँ सोने से पहले आपको बताया था कि भाई तमिलनाडु में हमने एंट्री कर ली है, ये देख लीजिए, ये देख रहे हो ये सारी रेड कलर की जो बाउंड्री देख रहे हो ना तमिलनाडु की बाउंड्री है, तो ये देखिए यहाँ था रेस्ट ऑफ पालामनेर में और उसके बाद हम यहाँ चित्तूर होते हुए ऐसे यहाँ से आए और तमिलनाडु के बॉर्डर में एंटर कर गए और अभी आगे बढ़ रहे हैं रानीपेट की तरफ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
टाइम हुआ है सुबह के 5:30 और बस पहुंच चुकी है सिरपेरुम्बुदूर और बाकी करीबन 2 घंटे के आसपास अच्छी नींद आ गई। और बाकी अभी रास्ता थोड़ा सा खराब आया बीच में तो अचानक से मेरी नींद खुल गई और अच्छा है कि खुल गई क्योंकि चेन्नई यहाँ से हार्डली 1 घंटे का डिस्टेंस और बचता है करीबन। तो जी फाइनली यहाँ से हमारी एंट्री होती है चेन्नई में। कहाँ जाके पार्क होती है? तो देख लीजिए भाई सफर होता है समाप्त और बस में SOC बची है 58%। चलिए ठीक है पवन जी, अच्छा लगा आपके साथ सफर करके, कभी दोबारा आएंगे तो मुलाकात करेंगे। चलिए ठीक है सर, ओके। तो टाइम हो चुका है सुबह के 6:15 और बस पहुंच चुकी है कोयम्बेडू चेन्नई। तो स्वागत है आप सभी का चेन्नई में। बाकी बात करें जर्नी की तो जर्नी काफ़ी अच्छी थी, कंफर्टेबल थी। कुछ ड्रॉबैक्स बस में मुझे नजर आए जो मैंने आपको जर्नी के दौरान बताया। उसके अलावा सर्विस की बात करें तो सर्विस में भी कुछ कुछ खामियां थी, जैसे कि अभी बस में ब्लैंकेट वगैरह प्रोवाइड नहीं करवाए जा रहे हैं जबकि ओवरनाइट जर्नी होती है और वो भी स्लीपर बस में। तो भाई ब्लैंकेट प्रोवाइड करवाना तो भाई बनता है क्योंकि रात को ना AC जब चलता है ना तो ठंड लगने लगती है, तो उस वजह से ब्लैंकेट की नीड भाई रहती रहती है। तो ब्लैंकेट वगैरह भी प्रोवाइड नहीं करवाए जा रहे थे। तो कुछ कुछ ड्रॉबैक, कुछ कुछ खामियां भी हैं, हो सकता है कि फ्यूचर में भाई हमें उसमें सुधार देखने को मिले। और उसके अलावा स्लीपर बस की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो ये बस अभी फुलफिल नहीं कर रही है वो है कि भाई स्लीपर बस एटलीस्ट कम से कम 1000 किलोमीटर के आसपास तो चलनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है स्लीपर बस मोस्टली लंबे रूट पे चलती है, 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। तो उस क्राइटेरिया को तो अभी ये बस फुलफिल नहीं कर रही है। हो सकता है फ्यूचर में भाई बैटरी में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिले, क्योंकि स्टाफ बता भी रहा था कि भाई 500 किलोमीटर वाली बस का भी ट्रायल रन चल रहा है। तो अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है, फ्यूचर में इसकी बैटरी कैपेसिटी जो बढ़ाई जाती है, तो भाई हो सकता है कि लंबे लंबे रूटों पे भी ये बस हमें दिखाई दे, क्योंकि छोटे रूट्स पे ना स्लीपर बसेस को लोग ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं। क्योंकि आप बेंगलोर से चेन्नई की भी जर्नी देखोगे ना 7 से 8 घंटे की जर्नी रहती है, मैक्सिमम 9 घंटे की रहती है, तो वो आराम से बंदा सीटर बस में भी कर सकता है और किराए में भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। अगर बेंगलोर से चेन्नई की ये जर्नी आप किसी सीटर बस में करोगे ना तो करीबन 500-600 रुपये में हो जाती है। वहीं इस जर्नी को करने के लिए इस इलेक्ट्रिक स्लीपर बस में मुझे कम से कम 1400 रुपये देने पड़े, जो कि वैसे और स्लीपर बस से भी थोड़ा सा ज़्यादा था। बाकी स्लीपर बस में करीबन 1000-1100-1200 के आसपास मुझे टिकट मिल रही थी, लेकिन क्योंकि इसमें वीडियो बनानी थी, इसका रिव्यू आपको देना था, तो भाई फिर जर्नी करनी पड़ी। हालांकि ऐसा लग रहा है कि 1400 रुपए वेस्ट नहीं गए, पूरा किंग साइज आज ट्रैवल करके आए हैं। पूरी की पूरी बस ही अपनी थी आज तो, क्योंकि पैसेंजर थे ही नहीं। और बस टिकट बुकिंग की बात करें तो मैंने जो बुकिंग करी थी स्लीपर बस में वो मैंने रेड बस से करी थी, और जैसे मैंने आपको बताया कि 1400 के करीब मुझे इस जर्नी का प्राइस पे करना पड़ा। बाकी इसके अलावा आप न्यू गो की ऑफिशियल वेबसाइट से भी बस की टिकट बुक कर सकते हैं। तो चलिए जितनी डिटेल थी इस जर्नी की वो व्लॉग के दौरान मैं आपको बता चुका हूँ, सो उस व्लॉग को करते हैं यहीं रैप अप। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता है कि खाली हाथ नहीं जाना होता, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।